अपशगुन मानी जाती है ऐसी 10 घटनाएं, गलती से भी ना करें नज़रअंदाज। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1, सुबह सुबह खाली रखी बाल्टी या घड़ा को देखना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। जिस व्यक्ति को अपने काम में निकलते समय खाली घड़ा या खाली बाल्टी दिख जाती है तो उसे अपने कामों में तमाम तरह की बाधाएं आने लगती है, इसलिए अपने बाथरूम में भी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। नंबर 2, घर पर लोहे से बनी हुई कम से कम एक चीज़ अवश्य रखें, इससे घर के आसपास बुरी आत्माएं नहीं भटकती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन याद रहे, कभी भी जंग लगे हुए लोहे की चीज़ों को घर में ना रखें, इससे अपशगुन होता है। नंबर 3, वैसे तो दूध का उबल कर गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दूध का जमीन पर गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जमीन पर दूध के गिरने से किसी बड़ी दुर्घटना या हानि होने का संकेत माना जाता है। नंबर 4, घर के दर्पण या शीशे से बनी हुई चीज़ें टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कभी भी टूटे हुए आईने को घर में ना रखें और न ही इससे श्रृंगार करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां का वास होता है। नंबर 5, झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और न ही कभी झाड़ू के ऊपर पांव रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी खुले जगहों पर नहीं रखनी चाहिए और शाम के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर से निकलते समय अगर छींक आ जाए तो इसे बहुत ही अपशगुन माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको पुनः घर के अंदर आ जाना चाहिए और फिर पानी पीकर ही घर से निकलना चाहिए। नंबर 7, कभी भी जेब या पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ मिलाकर नहीं रखनी चाहिए और न ही कभी पर्स में कोई देवी देवता का तस्वीर रखनी चाहिए, इसे अपशगुन माना जाता है। नंबर 8, घर पर मकड़ी के जाले का होना और चमगादड़ों का घरों में डेरा डालना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा घर में घायल पक्षी का आना या अचानक पक्षी का मृत्यु हो जाना बुरा संकेत की ओर इशारा करती है। नंबर 9, घर पर बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह घर पर आने वाले समय में अप्रिय घटनाओं का संकेत माना जाता है। नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार द्वार पर कुत्ते का रोना बहुत ही बड़ी अपशगुन मानी जाती है। कहा जाता है कुत्ते के रोने से किसी की मृत्यु का संकेत होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।